नमस्कार साथियों, मैं दीपक लांबा जय किसान आंदोलन से। आज का जो किसान बुलेटिन है, कल विधिवत रूप से 7:30 बजे हम नहीं कर पाए, क्योंकि कल एक मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में जिसका नाम जड़तड़ था, वहां पर एक सभा थी, उसमें जाना हुआ और रात को 10 बजे वापस लौटे। और जैसा कि आपको पता है, आज मुख्यतः जो बात हम करेंगे 5 सितंबर की जो महारैली यूपी में हो रही है उसकी तैयारियों पर बात करेंगे। उसके अलावा जय किसान आंदोलन की जो विशेष भागीदारी इस महापंचायत में है, उसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में चल रही तैयारियों के बारे में बात करेंगे। साथ में जो मुकदमे किसानों के ऊपर पुलिस ने जिनके नोटिस भेजे गए हैं या जो मुकदमे तैयार किए गए हैं, जिसका संज्ञान संयुक्त किसान मोर्चे ने लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और देश भर में चल रहे विरोध की बात तो यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 सितंबर को होने वाली महारैली की। अब जो घड़ी है वो बिल्कुल आने वाली है, दिन आने वाला है, सिर्फ 2 दिन बीच में बचे हैं। और 5 तारीख को हम सब लोग यूपी में होंगे, और कल भी 1 तारीख के दिन हमने यूपी में एक सभा की जो कि जड़तड़ नाम की एक गांव में थी। लोगों में जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी तैयारी यूपी में चल रही है। जय किसान आंदोलन की जो टीम है वो यूपी में पिछले 2 महीने से इस प्रोग्राम के लिए कार्यक्रम तय करके तैयारियां कर रही है। हमने अपने संगठन के विस्तार में यूपी की 30 टीमों को लगा रखा है। वो 30 टीमें विभिन्न जिलों में जाकर काम कर रही हैं, वहां से लोगों को इस रैली का न्योता दे रही हैं। और कल हम जब जड़तड़ में थे तो ऐसा नहीं सिर्फ एक यूपी का मामला है। यदि मैं अपने जय किसान आंदोलन की ही बात करूँ तो उसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि कल इस सभा में पहुंचे थे, और वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी तरफ से ये कहा कि जो एक आदमी यहाँ बैठा है, कम से कम 50 आदमियों के साथ 5 तारीख की इस महारैली में पहुंचेगा। लोगों ने अपनी तरफ से ट्रैक्टरों का इंतजाम कर रखा है, अपनी तरफ से बसों का इंतजाम कर रखा है, और जो दूर के साथी हैं उन्होंने कार आदि अपना किराए पे करके भी इंतजाम कर रखा है। तो हमें ये लगता है कि 4 तारीख को ही भीड़ 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर रैली के लिए इकट्ठा होने शुरू हो जाएगी। बहुत से साथियों का तो ये मानना था कि जिस तरह से लोगों में उत्साह है, लगता नहीं है कि एक दिन 5 तारीख को हर आदमी सभा स्थल तक पहुंच पाएगा और 5 तारीख को ही वो वापस सभा स्थल से आ पाएगा। तो लोगों का जो उत्साह है उसको देखकर कहीं ना कहीं हमें भी ये लग रहा है कि भीड़ इतनी ज्यादा होने वाली है कि ये जो रैली होगी, ये महारैली होगी, ये एक ऐतिहासिक होगी। यूपी में ऐसी रैली मुझे लगता है सालों साल के बाद पहली बार होने जा रही है। बात करें दूसरे स्टेट्स की, मैं अपने ही संगठन की पहले बात करूं, कल हमारे साथ हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अविक शाह जी, वो गए थे। वो खुद वेस्ट बंगाल से आते हैं। वेस्ट बंगाल की एक टीम लगातार पिछले 4 दिनों से आंदोलन को मजबूती देने के लिए विभिन्न बॉर्डरों पर जा रही है, और ये वेस्ट बंगाल की जो टीम है वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रवीण सुंदरबन, उनके नेतृत्व में आई हुई है। ये लोग यहाँ ऊर्जा देने का काम भी कर रहे हैं, साथ में यहाँ से काफी कुछ सीख कर जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ये वेस्ट बंगाल में जाकर किसान आंदोलन को बढ़ाने में और इस तरफ जो दिल्ली आने का जो दौर है उसमें अपना प्रतिनिधि मंडल बार बार हर मैं तो ये इनसे जो बात हुई है उसमें ये हुआ है कि हर 10-15 दिन में एक प्रतिनिधि मंडल इनका वेस्ट बंगाल से जरूर पहुंचा करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया, कल के प्रतिनिधि मंडल में हमारे अध्यक्ष जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, लेकिन वो हमारे पूरे ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ गए थे। योगेंद्र यादव जी जो हमारे संस्थापक हैं वो तो थे ही। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जिनकी संख्या 3 है, पहले कर्नल जयवीर जी हैं जो कि यूपी से ही आते हैं, वो यूपी, उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ का जिम्मा करते हुए इन सब राज्यों से अपील भी कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं ताकि इस महारैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच पाए। दूसरे हमारे लिंगराज जी हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो उड़ीसा से हैं, उनका भी अपना आज वो वापस गए हैं। कल हो सकता है एक बड़ा जत्था उनकी तरफ से भी ट्रेन के थ्रू यहाँ पहुंचेगा। उड़ीसा के कुछ साथी पहुंचेंगे, कर्नाटका के कुछ लोग होंगे, तमिलनाडु के। ऑलरेडी पिछले समय आपने देखा होगा जब हमारी किसान संसद चल रही थी, उन्हीं दिनों 1500 लोग तमिलनाडु से अलग अलग संगठनों के आए थे। तो वहां सब भी ये कार्यक्रम की ऑलरेडी
अनाउंसमेंट हो चुकी है, उनका आपस में बातचीत हो चुकी है, तो मुझे लगता है वहां से भी काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। तीसरा हम बात करें उपाध्यक्षों के अलावा, हमारे राजस्थान के प्रदेश की जो महिला विंग के अध्यक्ष हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं मंजू डूडी जी, वो भी हमारे साथ थी। राजस्थान की टीम के सदस्यों के रूप में विनोद बिश्नोई भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से राजस्थान के साथियों से, राजस्थान के संगठनों से दो ही मुद्दों पे वो काम कर रहे हैं। अभी आज के दिन 5 सितंबर की महा रैली और 25 सितंबर का भारत बंद, तो इन्हीं दोनों पे वो काम करते हुए मुझे लगता है राजस्थान भी इस रैली में अपनी भागीदारी करेगा। मैं स्वयं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा की तो खबरें हमें हर रोज आती रहती हैं। जितनी भी हमारी टोल की कमेटियां हैं, जहां जहां किसान आंदोलन के में बैठे हैं, वहां सब लोगों ने एक महीने पहले ही बुकिंग करा ली थी। जिसके पास अपनी कार नहीं है, उन्होंने गांव में जो कार गाड़ी जीप जो चलाता है उसके साथ पहले से ही बुकिंग करके किराए पे उसको कर लिया है। तो मुझे लगता है हरियाणा से भी एक बहुत बड़ा जत्था यहाँ पहुंचेगा। पंजाब के बारे में बात करें तो महिलाओं की एक विशेष टीम, उग्रह जी का संगठन विशेष रूप से उसमें भागीदारी करेगा। उनका संगठन भी पंजाब की महिलाओं को की अगुवाई में यहाँ पहुंचेगा। इसके अलावा जितने पंजाब के संगठन हैं, जो 32 जत्थेबंदियों की हम बात करते हैं, उनके लोग भी इस महारैली में शामिल होंगे। तो आप देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन तीन स्टेट की तो भारी संख्या होगी। इसके अलावा राजस्थान के लोग यहाँ होंगे, कल हमारी कुछ हिमाचल के साथियों से भी बात हुई, वो लोग भी इस रैली में पहुंचेंगे। और आपको एक मैं बात बताना चाहूंगा, केरला जो कि सुदूर दक्षिण का राज्य है, वहां पर भी जय किसान आंदोलन काम कर रहा है। आज उनका शाम को एक इनोग्रल जो संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। साथ में इसी मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि उनके प्रतिनिधि मंडल के तौर पर कितने लोग 5 सितंबर को मुजफ्फरपुर नगर पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है जब केरला का बंदा, केरला के किसान यहाँ पहुंचेंगे, तमिलनाडु के पहुंचेंगे, कर्नाटक, उड़ीसा के लोग होंगे, तो मुझे लगता है कि जो यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये लोगों की जिम्मेवारी तो और ज्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी। और मुझे लगता है कि 5 सितंबर को जो हम सोच रहे थे, जितनी संख्या हम सोच रहे थे उससे बड़ी संख्या होने वाली है। साथ में यूपी मिशन, यूपी उत्तराखंड मिशन का शुभारंभ होने वाला है। इसके बाद जितने 18 मंडल हैं उसमें अलग अलग जगह रैलियां और महासभाएं होंगी, उनका दौर कल से ही मैं कहूंगा कि उसकी शुरुआत हो जाएगी। बहुत सी जगह से इनविटेशन है, निमंत्रण है, अब उनको संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से उनको लाइनअप करेगा और अपने अपने नेताओं की, अलग अलग संगठन के नेताओं की ड्यूटियां लगेंगी कि किसको कहां जाना है और कैसे उसको संचालित करना है। दूसरा जो हमारा अभी नेशनल कन्वेंशन दिल्ली के संगू बॉर्डर पे हुआ, उसमें दो डिसीजन लिए गए। एक डिसीजन ये था कि हम लोगों ने SKM की यूनिट्स को जिले तक पहुंचाना है। जिले तक पहुंचाने का मतलब ये है कि जितने राज्य हैं हमारे देश में, 29 राज्य हैं, तो 29 राज्यों में हमें अपनी यूनिट बनानी है और इन राज्यों में जितने जिले हैं, 738 जिले हैं, उसमें भी यूनिट बनानी है और जिले से भी आगे SKM का विस्तार करना है, जिसको ब्लॉक लेवल तक लेके जाना है। तो अपने आप में SKM के नाम पर अब पूरा देश इकट्ठा खड़ा होने वाला है। और जो फैसला इस कन्वेंशन में हुआ था उसकी शुरुआत 5 सितंबर से होगी और उसी सिलसिले में वो उत्तराखंड की SKM यूनिट ऑलरेडी बन चुकी है। यूपी की जो SKM की यूनिट है, जो यहाँ के संगठनों को मिलाकर बनाई जाएगी, इस 5 तारीख की रैली के बाद उसकी कार्यवाही भी विधिवत रूप से शुरू होगी और अगले 5-7 दिन में वो यूनिट बनके तैयार होगी। तो यूपी में भी सभी संगठन आके यूपी मिशन में इकट्ठा होकर काम करेंगे। इसी तरह अलग अलग राज्यों में ये जो यूपी यूनिट की तरह, उत्तराखंड यूनिट की तरह SKM यूनिट्स को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है यूपी उत्तराखंड का जो मिशन है उससे देश में दोबारा से, जो हम शुरुआत में ये देख रहे थे कि आंदोलन सिर्फ इन 2-3 राज्यों का ही आंदोलन है, यूपी से शुरू होकर ये कन्याकुमारी, केरला तक भी जाएगा। तो दूसरी बात जो आज हम करने वाले हैं वो पुलिस द्वारा किए गए मुकदमों के बारे में है। अभी संयुक्त किसान मोर्चे ने ये आंकड़ा जारी किया है कि पूरे हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में 2500 लोगों के ऊपर पुलिस ने मुकदमे इस किसान आंदोलन के दौरान किए। तो SKM की जो मांग है वो स्पष्ट है,
कि ये जो फर्जी मुकदमे किसानों के ऊपर डाले गए हैं इनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, वापिस लिया जाए। आपको याद होगा कि सेडिशन चार्ज, राजद्रोह का चार्ज भी किसानों के ऊपर लगा, जिसमें सिरसा में 100 से ऊपर लोगों के नाम थे। इन मुकदमों की एक और विशेषता है, इसमें कुछ नेताओं का नाम होता है और उसके बाद ये लिखा जाता है कि 150 अन्य किसान, 250 अन्य किसान। ये अन्य किसान वाला जो तरीका है ये सरासर किसानों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए है। किसानों के ऊपर प्रेशर इसलिए बनाया जाता है, अन्य में वो किसी का नाम भी जोड़ सकते हैं। अब किसानों को डराने धमकाने का जो काम था वो यूपी में भी शुरू हुआ। उनको पता लगा कि 5 सितंबर को बड़ी रैली होने वाली है जिसमें यूपी का किसान पहुंचेगा, तो कुछ किसान नेताओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकियां भी मिलनी शुरू हुई। लेकिन ये जो स्थिति है, कल हम जब जड़तड़ में थे तो हमारे को देख के बिल्कुल नहीं लगा कि वहाँ का किसान घबरा रहा है। किसान पुरजोर तरीके से काम कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज सुबह हम गाजीपुर बॉर्डर पे गए। गाजीपुर बॉर्डर पर जाने के दो कारण थे। एक, हमारी जो मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल की टीम आई हुई है वो आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंची थी। वहां पर स्टेज पर और अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी अलग अलग संगठनों के टेंट हैं, सब में वो मिल के आए, लोगों से बातचीत की। जब अलग अलग प्रांत के किसान नेता आपस में बैठते हैं तो अपनी समस्याएं, अपना आंदोलन है उसकी जानकारियां साझा करते हैं और पूरे देश में जो उत्साह फैलने का काम है वो होता है। तो आज जब गाजीपुर में गए वहां भी यूपी के अलग अलग संगठनों के लोग मिले, सब में भारी उत्साह है। 5 सितंबर के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के भी बहुत से साथियों का फोन आया, क्योंकि कल जड़तड़ में हमारे दिल्ली देहात के अध्यक्ष राजीव यादव भी हमारे साथ थे। उन्होंने विशेष तौर पर दिल्ली के गांव, सुनने में आता है कि दिल्ली शहर है, हमें लगता है कि वहाँ शहर है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी 200 के करीब गांव हैं जहां पर विधिवत रूप से अभी भी खेती की जाती है, और उन गांवों का जो कल्चर है वो हरियाणा और राजस्थान से मिलता जुलता है। तो दिल्ली के लोग भी अपनी तरफ से तैयारियों में जुटे हैं और मुझे लगता है कि 5 सितंबर को हम सब लोग जाकर देश की इस जो एक दूसरा चरण मैं कहूँगा किसान आंदोलन का जो शुरुआत हो रही है, जिसमें एक प्रण हमने लिया है कि किसान आंदोलन को यूपी में फैलाना है, और जो सरकार, जिस सरकार ने किसान विरोध में काम किया है उसके खिलाफ वहाँ चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ये किसान आंदोलन कायम रहेगा और इसी का प्रचार करना है। तो हम लोग लगे रहेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे और मुझे लगता है जीत के ही घर लौटेंगे। तो साथियों, लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।